ये कि इसकी बात करते हैं, तो मैंने इसमें ये एफर्ट किया कि जैसे ट्रेडिशनल जो पुराने गाने हैं, जैसे औरतें गाती थी संस्कार गीत और ये, और उसके साथ जो विजुअल्स हैं, अल्पनाएं हैं, पिछौड़ा कहते हैं हमारे वहाँ जो किसी शुभ अवसरों पर बनता है, तो उसको लेते हुए उसमें ये कोशिश की है कि जो पुराने रूप है हमारे गाने के, जो अब ख़त्म हो गए हैं ऑलमोस्ट, नई जनरेशन तो अब कर नहीं रही उसको, तो उसको मैंने लेने का प्रयास किया है इसमें। जब इस नाटक का विन्यास हम लोग कर रहे थे तब हमने यही एक बात महसूस करी कि प्रकृति ही सबसे बड़ी हमारे लिए एक तरीके से उदाहरण है जो हमारी कला को हमारी परंपराओं को आगे लेके आता है, क्योंकि सब कुछ प्रकृति से जुड़ा है, मनुष्य भी उसी से ही उत्पन्न हुआ। तो चाहे कविता हो सुमित्रानंदन पंत जी की, या लोक कला हो या लोकगीत हो, सब के अंदर जो पुट आता है वो प्रकृति का ही आता है। तो एक तरीके से कॉमन थीम प्रकृति हो गया, और साथ में कोशिश ये है कि जो आजकल जिस तरीके का ये कहिए कि माइंडलेस डेवलपमेंट हो रहा है, उसके एवज़ में क्या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रस्तुत कर सकते हैं। यही एक और कड़ी है हमारे नाटक की, जो इस पूरी ये कहिए कि सब गीत नृत्य एवं कविताओं के साथ साथ उसके ऊपर भी ये बोलना चाहता है। पर्वतीय कला केंद्र के प्रेसिडेंट मिस्टर उप्रेती फिलहाल हमारे साथ हैं। तो मिस्टर उप्रेती, बताएं कि जिसके अभी हमने अंश देखे म्यूजिकल प्ले के, कितना चैलेंजिंग था ये? काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि हमने जब ये उत्तराखंड का अभी हुआ है, जी त्रासदी हुई जो वहाँ, तो उसको देखते हुए ये हमने डिस्कस किया कि
इस पर कुछ किया जाए, नया अटेम्प्ट किया जाए। तो और ये भी था कि दिमाग में कि वहाँ की जो संस्कृति या जो अभी आपने देखा होगा इसमें लोक चिन्ह या लोक कलाएं डिफरेंट रूप में हमने दिखाई हैं, तो उसको चित्रित करते हुए जी एक नाटक का रूप दिया जाए, और साथ में ये एक हो कि जो संस्कृति हमारे लोग या आगे की जनरेशन भूलती जा रही, कटती जा रही है उससे, उसको रिवाइव करने के लिए जी। सब्जेक्ट कठिन था, फिर सुमितानंद पंजी ने वहीं वो जन्मे, कौसानी में उनका जन्म हुआ था, तो उन्होंने नेचर पर बहुत कुछ लिखा हुआ जी, जी। तो उनकी कविताओं से बीच में हमने इसमें लास्ट सीन में भी जोड़ने की कोशिश की, तो बीच में उसको उनकी कविताओं के लाइंस को लेके एक तरह से इंस्पिरेशन मिला। ओके। तो स्क्रिप्टिंग में भी काफ़ी मुश्किल था करना, और ये भी दिखाना जरूरी था कि वहाँ के जो लोक नृत्य हैं या लोक संगीत है वो जो खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, चल रहा है लेकिन एक विकृत रूप हो रहा है उसका धीरे धीरे, जो मॉडर्न अटेम्प्ट हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसका जो एक पारंपरिक रूप है वो खत्म होता जा रहा है। तो ये सारी चीजें सोच के ये तय किया कि एक क्यों ना इस पर एक अटेम्प्ट किया जाए, कोशिश की जाए कि इसको प्रेजेंट करें हम, इसीलिए उसका नाम भी गातागिरी आंचल रखा जी। ताकि हिमालय जो है वो गाता रहेगा जी, जो आज नहीं हो रहा है जी। तो इसलिए इसमें ये कोशिश की गई कि जैसे वहाँ की अल्पनाएं हैं, जो औरतें जो पहले हाथ से सारे बनाया करती थी, आज उसका प्रयोग बंद हो गया, हाथ का कलश में चेंजेज आ गए हैं, जो पुराने गाने थे जिसको हम कहते हैं संस्कार गीत औरतों के जी, वो खत्म होते जा रहे हैं, नई जनरेशन को कुछ पता नहीं है उसके बारे में, वो आजकल हर फंक्शंस में हर जगह वो फिल्मी म्यूजिक और ये सब लोग करने लगे हैं, तो और इतने खूबसूरत चीजें हैं वो। और जहाँ जहाँ मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन जब आप खूबसूरती की बात कर रहे हैं, वहाँ के रीजनल म्यूजिक की बात कर रहे हैं, तो एक गाना तो जहन में हम सभी के आ रहा है, चाहे हमें वो भाषा में समझ में ना आए, बोल में समझ में ना आए, लेकिन हम सभी ने वो खूबसूरत गाना जिसमें 12 महीने पकने वाले फल की बात है वो सुना है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके बनने की। हाँ, उसके बनने की मैंने आपको बताता हूँ कि एक चाय की दुकान होती थी छोटी सी अल्मोड़े में। अच्छा। वहाँ पर बुद्धिजीवी लोग इकट्ठा होते थे शाम को, जैसे दिल्ली में कॉफी हाउस में बैठ के लोग डिस्कशन करते हैं, उसी तरह से वहाँ पर था, और जो कलाकार लोग हैं वो भी इकट्ठा होते थे, और आप समझिए कि रात के 11-12 बजे तक वहाँ महफिलें जमी रहती थी। तो मेरे बड़े भाई मोहन उप्रीति जी जाते थे वहाँ, जब यूनिवर्सिटी से लौट के आए बैठते थे, उनके ही दोस्त थे ब्रजेंद्र लाल शाह जी जो हमारी स्क्रिप्टिंग करते थे, वो दोनों मित्र थे, तो ऐसे ही बैठे थे, उन्होंने ही बताया मुझे, मैं तब छोटा था, तो कहने लगे, मैं ऐसे ही गुनगुनाने लगा डा 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 ऐसे। मैंने उनसे कहा कि ब्रजेंद्र शाह जी से कि यार इस पर कुछ लिखो, इस पर कुछ बन सकता है। तो बेड़ू पाको बारो मासा काफल पाको चैता मेरी छला, ये लाइनें तो ओरिजिनल है पहली। अच्छा। शुरू से है ये जी, जी। लेकिन आगे नहीं था और वो कंपोजिशन कुछ नहीं था। ओके। तो इसलिए फिर उन्होंने वहीं पर वो चाय की दुकान में इसकी धुन बनी, लिखा गया और बाद में ये इतना पॉपुलर हो गया कि कुमाऊं रेजिमेंट वालों ने इसको अपने बैंड की धुन ही बना लिया, और हम लोग जब बाहर गए थे प्रोग्राम लेके, तो वहाँ भी हमने इसको जब प्रेजेंट किया तो लोगों को बहुत वो नाचने लगते थे इस पर। लेकिन मिस्टर उप्रेती, इतनी बातें इस गाने की हो रही हैं, आप जैसी शख्सियत हमारे सामने, इतनी खूबसूरत आवाज के आप मालिक हमारे सामने बैठे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दें। हाँ, मैं 2-4 लाइन गुनगुना देता हूँ उसका। उसका यह बेड़ू पाको बारो मासा, बेड़ू पाको बार मासा, हो नरण का फल पाको चैता मेरी छैला, हो नरण का फल पाको चैता मेरी छैला, रूणा भूणा दिन आया, रूणा भूणा दिन आया, हो नरण पूजा मेरा मैता मेरी छैला, हो नरण पूजा मेरा मैता मेरी छा। प्रेसी मतलब वो कह रही है कि मुझे मेरे माई का ही पहुंचा दो, गर्मियों के दिन आ रहे हैं, तो वो उसकी प्रशंसा करता है।
देखा है छे पारडाना, देखा है छे पारडाना हो ब्याण तार जैसी मेरी छे, भोर की तारीख के ब्याण तार जैसी मेरी छे बेड़ू पाखो मेरे मेरो हिया भरी ओछो, मेरो हिया भरी ओछो हो नरण ज सुने निताल मेरी छेला हो नरण ज सुने। लास्ट लाइन है लड़ी मरी के हो लो, लड़ मर के क्या होगा लड़ई छो धोखा मेरी छेला हो नरण लड़ई छो धोखा मेरी लाइक दैट। वाह वाह वाह, मजा आ गया। और इसमें सिर्फ गाना नहीं है, सिर्फ ये मजेदार संवाद नहीं है आपस में, संदेश भी है छोटे छोटे छिपे हुए। तो यहाँ पे कोई छोटा सा मैसेज आप देना चाहेंगे, जैसे अभी आप बता रहे थे कि जो ओरिजिनल एक फोक म्यूजिक होता था, एक कल्चर होता था, वो थोड़ा डिटीरियोरेट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं पोल्यूट होता जा रहा है। लेकिन यहीं पे हमें उम्मीद ये भी रहती है कि हमेशा हमने ये ट्रेंड देखा है कि पुरानी चीजें लौट के वापस आ जाती हैं, लोगों का रुझान वहां पे आ जाता है। आप उम्मीद रखते हैं? नहीं, उम्मीद तो हम रख रहे हैं, लेकिन देखिए ऐसा है कि चेंजेस भी होते हैं। जी जी, मैं तो ये कहूंगा कि चेंजेस, जैसे हम मंच में जाते हैं, हम कोई भी गाना या डांस मंच में प्रस्तुत करते हैं तो मंच के हिसाब से हमें माइनर चेंजेस करने होते हैं। जी जी। बट साथ में ये है, मैं ये चाहता हूँ कि उसका जो परंपरागत रूप है वो नष्ट नहीं हो, राइट, वो बना रहे। जी जी। और जो हमारे, क्योंकि हिंदुस्तान में इतने ज्यादा ड्रम्स का है हिसाब, इतने ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें इतनी ताकत है कि हमें जो बाहर वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं हो सकती। लेकिन अब हो क्या रहा है कि लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तरह तरह से, उससे डिस्टॉर्शन होता जा रहा लेकिन, है। लेकिन वहीं पे लोग वापस अपनी पुरानी चीजों की तरफ भी लौट रहे हैं। करता हूं कि लोग पुरानी चीजों की ओर लौटे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नई चीज नहीं करिए, बट उसका जो एक रूप है, पारंपरिक रूप है, जैसे हमारे वहां आपको मैं बताऊं, फ्लूट और सारंगी, ये दो इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो पहले से यूज होते हैं। अब इसकी जगह अगर मैं सारंगी की जगह गिटार का इस्तेमाल करूं, जिसकी जरूरत नहीं है वहां पर, तो वो उसका रूप अजीब सा होने लग जाएगा। और बिल्कुल, हमारी भी उम्मीद यही है कि ये मिठास बनी रहेगी और आप अपने काम को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। शुक्रिया। ओके, थैंक यू। तो देखिए, इसी म्यूजिकल नोट के साथ, इतने अच्छे माहौल के साथ त्योहारों का मजा लें, अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।